यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है दोस्तों, देख लीजिए। सो हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है सो पूर्णिमा है और आज के दिन जो है सो हम लोग सामा भसाते हैं। तो चलिए, ये जो है सो आज पूर्णिमा के दिन ये बरसों से होते आ रहा है, ये जो हमारा मतलब गांव है, गांवों में ये जो है सो कल्चर है। तो ये पूर्णिमा के दिन जो है सो सामो हम लोग भसाते हैं और ये जो है सो मतलब ये छः दिनों तक मतलब हमारे घर में रहता है, जो कि छत पर्व के सुबह में लोग लाने के लिए जाते हैं, मतलब वो खरीदते हैं और उसके बाद जो है 6 दिन तक अपने घर पे रखते हैं। और ये जो है सो पूजा भी होता है इसका, और पूजा लोग करते हैं और इसके बाद जो है सो मतलब भसाने का कार्य होता है पूर्णिमा के दिन। और आज जो है पूर्णिमा है, तो चलिए ब्लॉग दिखाता हूँ और पूर्णिमा के दिन जो है सो ये सामो को भी दिखाऊँगा कैसा मेरा सामो है और ये जो है सो कहाँ विसर्जन करता हूँ। तो दोस्तों ये जो है पोखर में किया जाता है, जहाँ हम लोग मतलब छत पर्व मनाते हैं वहीं जो है इसका विसर्जन होता है। तो चलिए आज का जो है सो ब्लॉग घूम घूम के जो है सो ब्लॉगिंग करते हैं अपने गाँव में कस्बा में और सामो दिखाता हूँ, तो चलिए बने रहिए इस ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, तो आज जो है सो पूर्णिमा है ये तो मैं बता ही चुका हूँ, और अब जो है ये सामा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, वो सारा चीज़ बताऊँगा। और जो है सो अभी ये जो है सामा को मतलब जाने के लिए विसर्जन आज जो है होने वाला है, विसर्जन में होने के लिए उसको जो है एक डोली बनाया जाता है। डोली जो है सो बनाया गया है, सजाया गया है, काफ़ी अच्छा तरीके से सजाया गया है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस तरह से सजाया गया है, तो मैं आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है सो सजाया गया है और इसमें जो है सो 2-3 बल्ब लगाया गया है, और इसके बाद जो है सो ऊपर में हो सकता है तो मोमबत्ती भी दिया जाएगा। और ये जो है सो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, और ये जो है सो इसमें उपयोग करने वाला जो जो कार्य है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। देख लीजिए, यहाँ पर जो है सो एक बल्ब जल रहा है और एक यहाँ पे है और एक अंदर में भी है, देख रहे हैं चकमक चकमक हो रहा है। और इसके साथ साथ ये जो है सो ये सारा चीज़ जो है सो अंदर में रख दिया जाएगा, और अंदर में रखने के बाद जो है सो मतलब यहाँ पे जो है सो सामा रहेगा, यहाँ पे सामा रहेगा और इसके बाद जो है सो विसर्जन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये दिखा दे रहा हूँ एक और है, यहाँ पे जो है सो रखा हुआ है, इसमें मतलब बल्ब वल्ब का यूज यू नहीं किया गया है, और इसमें जो है सो मोमबत्ती जलाया जाएगा और यहाँ पे जो है सो सामा जी रहेंगे, ये सामा है, और यहाँ पे जो है गीत वगैरह हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो एक और नया मिल गया है, यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे सामा है अंदर में, और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है सो अंदर में जो है सो अंदर में सामा भी रखा गया, देख लीजिए यहाँ पे, और ये दो है दोस्तों, ये रहा पवन और इसके हाथों में है एक और सामा, इसमें तो दो है ये है और एक और अभी जाएगा और 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक अंदर में यहाँ पे जगमग कर रहा है और आज जो है सो बहुत सारा रखा हुआ है, और एक इधर भी है। वाह, ये क्या हो रहा है जी? ये सामा के दिन में भसावन के समय कुछ आवाज, जैसे शादी ब्याह होता है ना, जैसे फटाका छोड़ता है खुशी से, जैसे सामा को जा रहे भसाने, तो फटाका छोड़ेंगे। ये देखिए बड़ा बड़ा बम छोड़ेंगे। अरे भैया जी, ये देख लीजिए। अच्छा, ये तो मतलब फुलझड़ी है क्या? पहले फुलझड़ी, उसके बाद आवाज है, डबल साउंड। अच्छा, ये सामा के लिए मतलब अभी तैयारी हो रहा है ना, सामा के भसाने की तैयारी हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो अभी जो है सो मतलब सामा भसने के लिए, और इसमें जो है सो बॉम्ब भी, और बच्चे लोग फोड़ते हैं, तो इसमें जो है सो ये बॉम्ब के लिए मतलब बॉम्ब वगैरह निकाल रहे हैं थोड़ा बहुत, जो कि मतलब थोड़ा बहुत बिकेगा दीपावली और छत, और उसके बाद आज जो बचा हुआ रहता है वो आज जो है सो निकल जाता है, मतलब बेच लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए सामा वगैरह रखा है, 4-5 यहाँ पे सामा, 1-2-3-4-5, और बगल में है वहाँ पे मंडप है, उसमें जो है सामा को विसर्जन किया जाएगा आज, और यहाँ पे गीत वगैरह हो रहा है। हाँ, कुर्सी क्या है? अच्छा, देखिए दोस्तों, ये जो है सो सामा, और इसमें जो है सो आज सारा सामा जो है इसमें चला जाए। यहाँ पे एक और बॉम्ब छोड़ रहा है, हाथों और में छोड़ लेगा, मिर्चैया वाला है। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे तीसरा जो है सो ओपन हो रहा है, सॉरी मतलब बल्ब अभी जलाया गया है, और अब जो है सो देखिए और हाथ में छोड़ लेगा ये। बाप रे यार, बड़ी जुलूम वाला बात है यार, हाथ और पक लेगा। अरे यार, फूक हो गया जी।
मैं जानूंगा कि मतलब ये जो पर्व है ये मतलब किन लोगों के लिए है। उसके साथ में चकेवा उसका भाई भी रहता है जो अभी आप लोग को दिखाया जाएगा। सामा और चकेवा दोनों भाई बहन अपने साथ ससुराल जाती है।